My video, guys. Hi guys, welcome back to my channel, Makeup Lover Sejal. So I don't know where to start or what to say, what to share, because I have lots of mixed emotions, feelings and everything. So basically, guys, I am moving out. मैं घर छोड़ के तो नहीं जा रही हूँ, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, बट मैं शिफ्ट हो रही हूँ. तो जब से मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है, आप लोग मुझे इसी एरिया में विथ डिफरेंट बैकग्राउंड फॉर श्योर अब तक देखते आ रहे हो. तो अभी मैंने बहुत इट्स अ बिग डिसीजन फॉर मी, मैंने बहुत बड़ा डिसीजन बनाया है. आई नीड टू शिफ्ट और आई नीड टू हैव अ वर्क स्पेस जहाँ पर मैं एक्चुअली पीसफुली काम कर सकूँ. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेन रीजन ऑफ शिफ्टिंग क्या है. सो मैं इस एरिया में, इतने एरिया में ही बैठती हूँ. दिस इज माई पर्सनल बेड, सिंगल बेड है ये, और इधर से स्टार्ट होता है मेरा एरिया. यहाँ से तो इधर मेरा मेकअप होता है, यहाँ मेरा रिंग लाइट है, वहाँ मेरा स्टैंड है रिंग लाइट का, एंड देन यू हैव सम स्टोरेज, इधर सब मेरा बैग्स, ये सब मैंने बाद में ड्रिलिंग करा के सब कराया. एंड यहाँ से लेके पूरा मेरा सिर्फ ये सारे पार्सल्स आते तो मैं यहाँ रखती हूँ. बहुत ज्यादा ही पाइल अप हो गया है और सिर्फ इतने से एरिया में वर्क करना इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइस. 3 फुट भी नहीं है जिसमें मैं काम करती हूँ, बट या मैंने मैनेज किया फॉर 3.5 इयर्स. अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला दैट आई कुड एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, मतलब मैं कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकती हूँ अपनी लाइफ में. नहीं जाऊँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ 1-2 फ्लोर ऊपर ही जा रही.난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널. So guys, 사리 जरूरी के सामान में लेकर जा रही हूं. अभी हम पहुंच भी गए हैं, शिफ्टिंग नहीं हो रही है. सो गाइज, आई हैव जस्ट सेटल डाउन एवरीथिंग और मैं अपने नाइट सूट में चेंज करके डिनर करके आई हूँ. एंड मैंने सब कुछ सामान अच्छे से रखा है. कल से मैं सब जब सेटल करने आऊँगी, प्रॉपर स्टैंड, रिंग लाइट वगैरह. सो येस गाइज, आज का डे तो शिफ्टिंग में ही गया. सब मेरा जो भी मेकअप बॉक्स है और मेरे रिंग लाइट, स्टैंड और पार्सल जो आते हैं जिसके एक्चुअली वीडियो बनाना होता है जो है, तो सब मैं लाई हूँ. एंड या दैट्स इट अबाउट टुडेज व्लॉग, टुडेज डे, एंड लेट्स सी, आई विल व्लॉग टुमारो एज़ वेल. सो आई विल सी. हाँ, थोड़ा सा पास ले लेती हूँ. मैंने जस्ट अभी मीशो हॉल खत्म किया है. तो अभी फिलहाल के लिए मैंने जो सारे प्रोडक्ट्स वीडियो में दिखाए हैं वो सारे मुझे रखना है. ऑल्सो मुझे मेरे बैल्कनी से जो प्लांट्स मैंने सुबह रखे थे धूप लगने के लिए, उसे अब अंदर लाना है बिकॉज इट्स 4:30 राइट नाउ. अच्छा खासा धूप तो लगी गया होगा. एंड या ये सारी चीजें करनी है. सो चलो लेट्स डू इट. सो गाइज, अभी जस्ट मैंने सारे सामान रखा जो कि आपने एकदम झुप से देखा है, बट टाइम लग गया सब रखने में. ऑल्सो मैंने थोड़े से रील्स वीडियो भी बनाए हैं, सो आपको इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हो, काफी अच्छे बन रहे थे वैसे तो. ओह माय गॉड, इट्स 5 ऑलरेडी. एंड उसके बाद मैं कुछ खाने जाऊंगी, एंड देन फ्रेंड टाइम, फिर उसके बाद या देखते हैं कैसा क्या करते हैं आज दिन में. सो सुबह तो मैं उठी एंड देन वीडियो एडिट करने में लग गई. आज का वीडियो वॉज ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज. ओ माई गॉड गाइस, कितने लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है इस चैलेंज को. दे आर अगर आपको आंसर ही नहीं देना था तो आपने वो क्वेश्चन क्यों चूज किया. सो वही तो चैलेंज था. मैंने स्पाइसी क्वेश्चन चूज किए थे एंड जो क्वेश्चन जिस मेकअप स्टेप पर आता, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन पर आता, और अगर वो मैं नहीं आंसर करना चाहती हूँ तो मैं वर्स्ट फाउंडेशन यूज करती. सो दैट वॉज द चैलेंज कि अगर मैं आंसर नहीं दे रही हूँ तो मैं पनिशमेंट भी तो ले रही हूँ ना वर्स्ट प्रोडक्ट यूज करके. पता नहीं कुछ लोगों ने उसमें बहुत बड़ा सा बवाल कर दिया. सो आई वॉज छोड़ो जाने दो, अब जिसको समझेगा वो अपना आराम से देखकर एंजॉय करके वीडियो चला जाएगा, जिसको नहीं समझ रहा है वो परेशान ही हो रहे हैं, तो होते रहो भैया, हम क्या कर सकते हैं. प्लान को अंदर लाने से पहले मैं चेंज कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाती हूँ. सो गाइस, सारे होम प्लांट्स को अंदर ले लिए हैं. माय गॉड, सांस फूलने लगा.
बहुत कम एक्टिविटीज हो रही है आजकल, एक ना ज्यादा वॉकिंग वॉकिंग कुछ नहीं हो पा रहा, तो इतने में ही सांस फूल गई मेरी। तो चलो अब थोड़ा सा मैं आराम करूंगी, ये जो छोटे से हेयर स्टाइल बनाए तो खोल लेती हूँ, कोई मस्त चंपी दे दे मजा आ जाएगा। आज तो एकदम ही लाइनर और वाटरप्रूफ मस्कारा सब लगाया। यूजुअली मैं नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा ही लगाती हूँ जब भी मैं यू नो शूट्स कर रही हूँ, और अगर मुझे बाहर नहीं जाना है तो बाहर जाती हूँ तो रेनी सीजन हो या कोई भी सीजन हो मैं वाटरप्रूफ मस्कारा ही लगाती हूँ। यू नेवर नो कब कोई आपको सपने से जगा दे पानी डाल के, तो सब आपका मस्कारा बाहर आ जाएगा। सो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो वाटरप्रूफ ही यूज़ करती हूँ, और मैं जब भी वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो मैं नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो आईलैशेस के लिए इतना अच्छा भी नहीं होता वाटरप्रूफ वाले। लेकिन आज मैंने वाटरप्रूफ लगाया है बिकॉज गाइस मैं आप सबके सामने आज एक मेकअप रिमूवर का टेस्ट देने वाली हूँ। मैं तो काफी दिनों से इस मेकअप रिमूवर को यूज कर रही हूँ। यस गाइस मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ माइसेला वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर। ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स एन अमेजिंग मेकअप रिमूवर। अब मुझे ये क्यों पसंद आता है मैं आप सबको बताती हूँ, बट इट कम्स विद बिल्ट इन ब्रश गाइस, जो की बहुत ही ज्यादा प्रोसेस को ईजी कर देता है। सो जब से मैं ये मेकअप रिमूवर यूज कर रही हूँ आई डोंट नीड कॉटन पैड्स, मुझे मेकअप वाइप्स की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना फिर डिस्पोजेबल की जरूरत पड़ रही है। इट्स सो इजी गाइस, एक्चुअली ये बिल्ट इन ब्रश जो है उसे और भी ज्यादा आसान कर देता है। जस्ट तीन सिंपल स्टेप्स गाइस, यू जस्ट हैव टू प्रेस, फोम बाहर आता है, आपको रख कर लेना है अच्छे से और मेकअप इजीली बाहर आ जाता है। गाइस मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, आप सबको मैं दिखाऊंगी भी कि कैसा होता है। ऑल्सो आप इसे अपने आईज पर यूज कर सकते हो। सो मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स लाइक सबको दिखा था इसे रिव्यू करते हुए, तो मैंने सोचा यार कैसे आंखों पर यूज कर ले रहे हैं ये लोग, तो आई वॉज लाइक बिट डाउटफुल कि कैसे होता है, बट जब मैं यूज करने लगी तब समझ में आता है कि माय गॉड इट्स सो इजी, आप अपने आईज पर भी अच्छे से इसे यूज कर सकते हो। सो बेसिकली इट्स सो सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश है ये, आई लव इट। मुझे ऐसा बिल्ट इन ब्रश वाला जो भी आते हैं फेस वॉशेज या फिर ये माइसेला वाटर, ट्रूली एब्सोल्युटली लव इट। एंड गाइज ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड ऑल नेचुरल, एंड ऑल्सो मामा अर्थ इज एन इंडियन ब्रांड, सो गाइज इट्स टाइम टू गो वोकल फॉर आर लोकल। मैं जब भी आती हूँ आप सबका फायदा करने के लिए आती हूँ गाइज, सो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो Sage20, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा mamaearth.in पर। लाइक ये कोई अफिलियट कोड नहीं है गाइज, लाइक कि आपसे मुझे कुछ भी मिलेगा, सो आप ये कोड फ्रीली यूज कर सकते हो आराम से। ऑल्सो ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन मामा अर्थ, एमेजॉन, नाइका एंड पर्पल। सो यस गाइज ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, गो हेयर एंड चेक इट। It's enriched with micellar water, but it also has natural ingredients like rose water and glycerin, जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छा ही होता है। And it is paraben and SLS free, dermatologically tested, and it suits all skin types. So guys, makeup is off. अब चलो थोड़ा सा relax करते हैं। My face looks so clean. So guys, अब मैं जा रही हूँ अपने घर, थोड़ी सी भूख लगी तो चलो जाकर कुछ खाती हूँ, सुबह का ही खाई हूँ। So let's go. So let's go. Let me take the keys first. Lights and everything off. So guys, फिर मैं घर पर आई और इतना भूख लगी थी कि मैंने वीडियो बनाना ही भूल गई। मैंने ओट्स बनाया था और कॉफी तो मैंने आप सबको दिखाया, सो खाई और पेट मस्त भर गया है। ये अभी हम खाने वाले हैं मुंबई का वड़ा पाव। So delicious it looks. I'm watching my video guys. सो गाइज आई एम जस्ट वॉचिंग माई वीडियो जो आज मैंने अपलोड किया है, उसमें बहुत लोग को डाउट्स और इतने सारे क्वेश्चंस थे, बट ठीक है शायद मैं ही कहीं चूक गई रहूँगी आप लोग को एक्सप्लेन करने में कि एग्जैक्टली क्या वीडियो है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो मैं खाना खाकर आई, एक्चुअली मेरा कैमरा का मेमोरी फुल हो गया था तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। सो मस्त डिनर हुआ आज तो, और अब मैं जा रही हूँ अपने बालों को चंपी करने, बिकॉज काफ़ी दिन हो गए मैंने ऑयल नहीं अप्लाई किया है। और मेरे साथ कौन है, हॉनी। सो गाइज ऑयल एप्लीकेशन इज डन और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। नहीं यार अभी थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है तो एडिट कर लेती हूँ फिर सो। आई फॉरगॉट माई चार्जर, तो मैं चार्जर लेने जा रही हूँ, ऑल्सो माई शैम्पू एंड कंडीशनर, रात में ऑयलिंग किया था।
गाइस आई हैव टेकन शावर और अब मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने. लाइक अभी मुझे पहले प्लान करना है. आई एम होस्टिंग अ गिव अवे गाइस, सो चलो जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं. ओके गाइस, सो बिफोर आई स्टार्ट प्लानिंग फॉर माई गिव अवे और वीडियो बनाने के पहले आई हैव टू वॉच द प्लान्स. सो चलो लेट्स डू इट फर्स्ट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर रूटीन. बहुत ही सुंदर फ्लावर आए हैं और एक यहाँ भी आ रहे हैं प्लस एक यहाँ भी आ रहा है. So guys, I got ready and this is the makeup look I'm doing in my giveaway video. So अगर आपने नहीं देखा है तो देखो. So मैंने giveaway video shoot कर लिया है and मैं सोच रही हूँ छोटा सा celebration करती हूँ because all the kids are here. तो नीचे जाकर मैं थोड़ा सा केक लेकर आती हूँ और चलो हम लोग खाते हैं. बस खाने का मौका चाहिए. So guys, just मैं केक लेकर आई हूँ. Here it is. केक शॉप में भी पता चल गया कि आज 150 के का सेलिब्रेशन कर रही हूँ मैं. इज लाइक अच्छा आप यूट्यूबर हो? मैं बोली हाँ यूट्यूबर हूँ. कहता अच्छा अच्छा मैं सब्सक्राइब करूँ तो आपको क्या मिलेगा? मैं बोली कुछ नहीं मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर लो, खुशी मिलेगी और कुछ नहीं. तो यहाँ छोटा सा केक कटिंग का सेलिब्रेशन करने वाले हैं. ऑब्वियसली मैं तो एक छोटा छोटा मौका ढूंढती हूँ कि बस मुझे सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए गाइस. एक तो इतनी छोटी सी जिंदगी है, ऊपर से हम टेंशन में ही बिताएंगे और इतने छोटे से भी अगर खुशियाँ नहीं है सेलिब्रेट करेंगे तो 150 के यू गाइस. सो गाइज मस्त मस्त रसमलाई खा लिया है हमने और अभी अयान और एंजल खा रहे हैं. मैं सोच रही हूँ मेकअप रिमूव कर लेती हूँ या फिर थोड़ा सा रील्स बना लेती हूँ. सो यस गाइज, कुछ ऐसा था मेरा व्लॉग और 150 के सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन. आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा. पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. बाय. वीडियो भी एंड नहीं होता है, आगे देखते रहिए. सो गाइज मैं अपने घर पर आ गई हूँ नीचे और मैं सोच रही हूँ टॉप चेंज कर लूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है तो मैं ये चेंज कर लेती हूँ. मेरा एक्चुअली अभी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना इंपॉर्टेंट है. अभी करंटली 6:40 हो रहा है. 7:30 का अपॉइंटमेंट है. 6:40 बेटा अपॉइंटमेंट. सो गाइज आई हैव चेंज्ड और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल. गुड गर्ल लिली, गुड गर्ल. लिली ने कपड़ा लिया था फिर लिली रुक अच्छा थाम तू देखो वो छोड़ दूँ. गुड गर्ल लिली, गुड गर्ल लिली ने छोड़ दिया. लिली को लगा मैंने लू दू. I'm back from hospital and now I'm having cake. So we are having cake. Veer, क्या खा रहे हो? ओए, ये देखो हम लोग दूसरा चॉकलेट उसको नहीं देंगे. क्या खा रहे हो? वीर क्या खा रहे हो? आप इसको चॉकलेट ही नहीं देंगे जो हम लोग. नहीं, मेरे पास चॉकलेट केक है दूसरा वाला. तू क्या? चॉकलेट केक खाना है? चलो हम खाते हैं. So, अब मैं पीने वाली हूँ हल्दी दूध. इट्स नाइट टाइम गाइस. सो आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा. पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. बाय.